नमस्कार। सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी साप्ताहिक श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे साथ जुड़ेंगी हिमानी आर्या, जो कि वर्तमान में गन्ना कृषक कन्या महाविद्यालय किच्छा में प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रही हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से शोध का कार्य भी कर रही हैं। तो आपका स्वागत है हिमानी। थैंक यू सो मच मैम, और मेरी तरफ से सभी को हेलो। हिमानी, क्योंकि आप अंग्रेजी विषय में अपना काम भी कर रही हैं और अंग्रेजी विषय में आप पढ़ा भी रही हैं, तो आपसे कुछ हम बातें करना चाहेंगे, क्योंकि हम हिंदी दिवस पे कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई है। मैम, मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है 1 to 5, मतलब नर्सरी से लेकर 5 तक, वो मैंने बीरशीबा रेजिडेंशियल स्कूल किच्छा से करी थी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन नवोदय में हो गया था, तो मैंने क्लास 5th to 12th अपनी कॉमर्स स्ट्रीम से 12th पास आउट किया है जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर से। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही एमबीपीजी हल्द्वानी से किया है। उसके बाद मेरा बीएड जो है वो सूरजमल अग्रवाल बीएड कॉलेज से हुआ है किच्छा। अच्छा, तो जो आपका जो शिक्षा का जो माध्यम है वो हिंदी रहा है या अंग्रेजी? मैम, मेरा जो मीडियम था वो हमेशा इंग्लिश ही रहा। तो आप बेहतर बहुत सारी चीजें हमें बता पाएंगे, मुझे उम्मीद है। क्या आपकी नजर में या आपके सामने कोई ऐसी घटना घटी हो जिसमें आपको भाषा को लेकर के विभेद आपको महसूस हुआ हो, ऐसी कोई घटना है तो आप प्लीज आप उसे शेयर कीजिएगा। यस मैम, जैसे जब बच्चे, मतलब हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसी है कि वो इंग्लिश जो बोलता है उसको ज्यादा वैल्यू करती है, मतलब उसको बहुत अच्छी नजरों से देखती है, भले ही उसका नॉलेज लेवल कुछ भी हो। लेकिन अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है तो भले ही उसे नॉलेज कितनी ज्यादा हो, कहीं ना कहीं उसको देखने का नजरिया लोगों का इंग्लिश के कंपेरिजन में अलग हो जाता है। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी, मतलब बेसिक एजुकेशन जो थी वो हिंदी मीडियम से ही हुई थी, तो लेकिन जब हम लोग बीएड कर रहे थे उस दौरान हमारे यहाँ का जो मीडियम था वो उसने इंग्लिश ही ऑप्ट किया था। लेकिन पूरे एग्जामिनेशन के दौरान एक सेमेस्टर में एक पेपर ऐसा आया जब उसको लिखने के टाइम पर रियलाइज हुआ कि यार शायद अगर मैं इसे हिंदी में लिखूंगी तो मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगी, तो उसने ऑन द स्पॉट अपना मीडियम बदल दिया वहां पर और उसको हिंदी में ही करा। तो मैंने उससे पूछा भी था बाद में कि तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने मुझे यही बताया रीजन कि यार मैं इंग्लिश में नहीं एक्सप्रेस कर पा रही थी जितना अच्छे से मुझे हिंदी में आ रहा था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, कहीं ना कहीं मतलब इंग्लिश जो है वो कहीं पर मतलब एक ऑब्स्टिकल भी बन जाती है, एक बाधा होती है। कई बार जो हम जिस भाषा में सोचते हैं, जिस भाषा में हम सही तरीके से सोच पा रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, तो उसी में अगर हम अपना जो भी चीज व्यक्त करें तो वो बेहतर हम कर सकते हैं। मैं इसमें ही अपनी भी बात कहना चाहूंगी, क्योंकि 4 सालों से मैं भी ऐसे कॉलेज में पढ़ा रही थी जहां पे दोनों ही भाषाओं के विद्यार्थी थे, और कई बार जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है वो अपना आत्मविश्वास खो बैठता है जब वो अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट को देखता है, उसकी बोलचाल को देखता है, तो उसे लगता है कि अंग्रेजी मीडियम बेहतर है। तो एक बार मेरी भी एक स्टूडेंट थी जिसने अपना मीडियम चेंज कर दिया, उसने हिंदी से इंग्लिश मीडियम में चेंज कर लिया, पर जब जो हमारे यूनिट टेस्ट होते थे या जो हम यूनिट कंप्लीट होने के बाद उनके टेस्ट लेते थे तो उन प्रश्नों का वो उत्तर सही से नहीं दे पाई, सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। उसे आता सब कुछ था, बस उसने अपना मीडियम चेंज किया, इसकी वजह से वो अपना जो प्रश्न है उनके उत्तर सही से नहीं दे पाई। तो कहीं ना कहीं भाषा को लेकर के जो बायसनेस है कि आपका अगर अंग्रेजी है तो आप बहुत ज्ञानवान बन जाएंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट कहे जाएंगे, और अगर आपकी हिंदी भाषा है तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको कम आका जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स में काफी देखने को मिलता है, क्योंकि आप कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं और काफी जो विद्यार्थी हैं उनसे आपका आप उनको देखते होंगे और आपको महसूस होता होगा कि क्या चीजें हैं, तो आप उसके कोई जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो बताना चाहेंगे? यस मैम, जैसे एडमिशन होता है हमारे कॉलेज में तो मैं ये देखती हूँ, मतलब ऑब्जर्व करती हूँ कि बच्चे जो हैं वो हिंदी से ज्यादा इंग्लिश को लेना प्रेफर करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो कह सकें बाहर जाकर कि हम इंग्लिश में बीए कर रहे हैं, तो इतनी उनमें इस चीज को लेकर के ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि नहीं लेना है, किसी भी कीमत पर लेना है। तो जब मैं कई बार, मैंने एक बच्चे का टेस्ट भी इस चीज में लिया था कि मैं तुम्हारा टेस्ट लेकर के ही लूंगी, क्योंकि बच्चे
जिस बैकग्राउंड से आ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि शायद वो इंग्लिश कवर नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ट लिया तो उसमें मैंने रियलाइज हुआ मुझे कि उन लोगों को इवन माई सेल्फ भी ढंग से नहीं लिखना आ पा रहा था, लेकिन फिर भी इंग्लिश के लिए उन्होंने, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि समाज ही उनको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि नहीं इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आज तुम्हें सर्वाइव करना है इस सोसाइटी में, तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए। इस चक्कर में वो भी इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कि नहीं हमें भैया आए या ना आए हमें इंग्लिश लेनी ही है। अच्छा, तो आप अपनी जो कक्षाएं होती हैं अंग्रेजी की जो कक्षाएं होती हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से भी विद्यार्थी वहां पे आ रहा है, तो आप क्या ऐसे पद्धतियां अपनाते हैं या क्या ऐसी चीजें करते हैं कि वो इजीली उस चीज को समझ सके? मैम, स्टार्टिंग में मैंने जो मेथड था मेरा, सिर्फ लेक्चर मेथड सिंपल मैं करती थी कि सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश उनको करवा दिया जाए, लेकिन जब मैंने बच्चों के एक्सप्रेशन नोट करना शुरू करा तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद इन्हें क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैंने फिर बायलिंगुअल मेथड ही चुना। मैंने उनको दोनों मेथड में पढ़ाना स्टार्ट किया कि इंग्लिश में भी एक बार बोला, फिर उसको हिंदी में रिपीट करा, फिर उसको ईजी लैंग्वेज में एक और बार रिपीट करा, तो इससे ये हुआ कि उनको चीजें समझ में आने लग गई। मतलब ये है कि भले ही बच्चे सोसाइटी के प्रेशर में आके इंग्लिश लेने के लिए बहुत ज्यादा वो तो हो रहे हैं कि हमें लेना है, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उनको, अगर फ्लुएंट हम इंग्लिश में लेकर चले स्पेशली विलेज एरियाज में, तो बच्चों को कवर करने में प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं हमें हिंदी को लेना ही पड़ता है साथ में बायलिंगुअल मेथड, ताकि वो सही तरीके से समझ सके। यस मैम, तो आपको क्या लगता है कि जो भाषा है वो किस तरीके से व्यक्ति ने उसको चुनना चाहिए? अगर जैसे आप बार बार ये कह रहे हो कि प्रेशराइज होकर के वो इंग्लिश ले रहे हैं, और कई बार हम सुनते हैं जब हम स्टूडेंट्स से भी पूछते हैं, कई रिश्तेदारों के घर में जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि हमारी डबल इंग्लिश है, तो वो बहुत गर्व के साथ उस चीज को कहते हैं, जबकि एक लैंग्वेज उनका होता है और एक लिटरेचर होता है जो 1 ईयर का लैंग्वेज का कोर्स होता है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी को वो महान समझने लगते हैं और हिंदी को थोड़ा सा उसको 2M दर्जे का समझने लगते हैं। यस मैम, बच्चे ऐसा सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि हमें उस ही भाषा को प्रिफर करना चाहिए जिसका एप्लीकेशन भी जब हमें वक्त आए, ऐसा नहीं है कि हम हर बार उसी लैंग्वेज को प्रयोग कर रहे हैं, बट अगर कभी वक्त आए तो हम इंग्लिश अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो हम उसे, जब एप्लीकेशन का वक्त आए तो हम उसको अप्लाई कर पाएं, तो बच्चों को ये पहले से सोचना चाहिए माइंड में कि हम इसको कर पाएंगे कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं कर सकता, वो कर सकता है, बट उसको अपना 100% उसमें देना पड़ेगा। मतलब बच्चे, क्योंकि प्रेशर मैंने बोला वो ले तो लेते हैं पर उतना उसके पीछे हार्डवर्क नहीं करते, फिर बस वो उसको और लैंग्वेजेस की तरह ही लेकर चलते हैं, वो उसमें अच्छा भी नहीं कर पाते हैं, और जो वो अच्छा कर सकते थे वो भी वो छोड़ देते हैं, उनकी परसेंटेज उसकी वजह से डाउन हो जाती है कहीं ना कहीं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बार बार बात की जाती है कि हिंदी के संरक्षण की बात की जाती है, इवन महात्मा गांधी ने भी 1917 में ही ये बात कर रहे थे कि जो हिंदी है उसे राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उस पर वो पूरा जोर दे रहे थे, और ये भी कहा जा रहा था कि जो राजनीतिक जो संचार है उसके लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए, और हर साल हर स्कूलों में हर विद्यालयों में कॉलेजेस में हिंदी दिवस को मनाया जाता है। वो एक दिन के लिए मनाया जाता है पर बाद में सब भूल जाते हैं कि हमें इसे सम्मानजनक इसको दृष्टि से हमें देखना है। आपके यहाँ पे भी कुछ हिंदी दिवस पे कुछ प्रोग्राम होते थे, कार्यक्रम होते थे? यस मैम, बहुत डिबेट्स वगैरह होती थी, पोएट्रीज बोली जाती थी हिंदी में, और हम लोग 14 डेज के लिए इसको नियम भी बना लेते थे कि आपको सिर्फ हिंदी ही यूज करनी है। तो उसी बीच में हमको, जैसे मुझे एज ए लेक्चरर यह रियलाइज होता था कि ऐसे बहुत से वर्ड है कि इंग्लिश हमारे अंदर ऐसे फीड हो गई है कि बहुत से ऐसे कॉमन से शब्द हैं जिनकी हिंदी हम पूरी तरह से भूल ही गए हैं। तो ये सिर्फ पखवाड़े के टाइम पर ही हमको आता था कि यार ये तो बहुत इजी वर्ड था, मतलब कैसे भूल गई मैं इसको हिंदी में क्या था, क्योंकि वो ऐसे दिमाग बचपन से उसको वैसे यूज करा तो वो भूल गए। पर पखवाड़े में जब हम पर उनको कंपलसरी करा कि यार अब हिंदी बोलनी है, तो रियलाइज हुआ कि हाँ यार कुछ वर्ड्स ऐसे ही माइंड से भूल गए हैं। आजकल आप देखते हैं कि जो दुकान है, दुकानों के नाम जब लिखे हुए होते हैं तो वो भी अंग्रेजी में होते हैं, और अधिकांश जो दुकानें होती हैं उनके नाम अंग्रेजी में ही देखने को मिलते हैं, तो क्या इन चीजों में भी हम थोड़ा बहुत बदलाव करके कुछ इसमें हिंदी के लिए कुछ किया जा सकता है? यस मैम, उनको जैसे इंग्लिश में वो इसीलिए भी लिखते होंगे कि क्योंकि वो जो समाज है सोसाइटी है उनको ये प्लीज करना चाहते होंगे कि हाँ ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि इंग्लिश को स्टैंडर्ड रूप से देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं अपनी शॉप को भी उसी के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से क्योंकि ऐसे मेजोरिटी नहीं है कि लोगों को सबको इंग्लिश समझ में आए, कई बार दुकान के पास आने के बाद भी इंसान समझ नहीं पाता होगा कि यार मैं यहाँ पता नहीं मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, तो उनको दोनों लैंग्वेज में लिखना चाहिए शायद मेरे हिसाब से।
और हस्ताक्षर भी हम देखते हैं कि आजकल आप देख लेंगे कि हस्ताक्षर हिंदी में बहुत कम हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो क्या आपने भी ये चीजें देखी है? क्योंकि मुझे याद है कि हमारे कॉलेज के टाइम पे इस पखवाड़े में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाता था कि इस दौरान जो हिंदी साप्ताहिक जो पखवाड़ा है इसके दौरान सभी हिंदी में अपने साइन करेंगे, तो ये भी लगता है कि कुछ इस तरीके के प्रयास किए जाएं तो थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। एक चीज मैंने भी नोटिस की है, आपने भी नोटिस की होगी कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पे जो एग्जाम पेपर होता है वो हिंदी भाषा में, जो एग्जाम का जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत क्लिष्ट भाषा में होते हैं, उसे समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हिंदी को भी सरल बनाने की जरूरत है ताकि वो इजीली समझ में आ सके। तो कई बार होता है कि इंग्लिश का क्वेश्चन देखा, हिंदी का क्वेश्चन देखा जाता है, फिर उसके बाद उसे समझ में नहीं आता है, तो फिर उसके बाद इंग्लिश देखना पड़ता है। तो ये सारी चीजों में भी बदलाव लाने की जरूरत है और इसमें भी सुधार करके आप थोड़ा सा हिंदी के लिए कुछ काम किया जा सकता है, उसको थोड़ा सरलीकृत किया जाए। और हिंदी दिवस का जो उद्देश्य है, मेन तो यही उद्देश्य है कि जो हिंदी भाषा है उसकी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, उसको फैलाया जाए। और ये हम लोग, आप लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं क्योंकि आप भी एक शिक्षक के रूप में भी काम कर रहे हैं, एक रिसर्चर भी हैं, और आपका जो रिसर्च है वो कहीं ना कहीं इस पे हेल्प कर सकता है। तो क्योंकि आप शोध कर रहे हैं, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपका शोध का विषय आप क्या ले रहे हैं। मैम, मैंने जो अभी सोचा है वो यही सोचा है कि जो अभी हाल ही में अटल उत्कृष्ट विद्यालय ओपन किए गए हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट करने के लिए करे गए हैं, कि थोड़ा बहुत बच्चों में जो विलेज एरियाज में है वो ऐसी महंगी जो एजुकेशन है सीबीएसई की वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए वो विद्यालय खोले गए हैं। तो मैं इसमें अपनी रिसर्च में यही चीज को कवर अप करूंगी कि किस तरह से वो क्या टेक्निक ऐसी यूज करेंगे कि जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बच्चा आया है कि वो इंग्लिश को कवर करने लग पड़े, मतलब ऐसा क्या वो लोग इसमें ग्रोथ पे उनके वर्क करेंगे और क्या उनकी वर्किंग स्ट्रेटेजी रहेगी और किस तरीके से ये सीबीएसई से किस तरह से, क्योंकि एफिलेटेड वो सीबीएसई से ही होने वाला है, तो मैं देखूंगी कि क्या जो कंप्लीट पूरा जो सीबीएसई स्कूल होता है जो उसमें रूल्स और रेगुलेशन के होते हैं, क्या कंप्लीटली वो भी उसी स्कूल में होगा, तो वो बच्चा जो बिल्कुल हिंदी बैकग्राउंड से आएगा वो कैसे उसमें कवर करेगा, ये मैं देखूंगी पूरा। आपका तो क्योंकि अंग्रेजी ही आपका विषय है, तो आपका जो वो सारी किताबें अंग्रेजी में होती हैं। बस मैं ये बात अपनी तरफ से रखना चाह रही हूँ कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें स्टडी मटेरियल ही आपको हिंदी में नहीं मिलता है। तो जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, जो हिंदी माध्यम से अपना कोर्स करना चाह रहा है, अपना सब्जेक्ट अपनी पढ़ाई करना चाह रहा है, तो उसको उस भाषा में ही किताबें अच्छी नहीं मिल पाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बाध्यता भी हो जाती है कि उन्हें अंग्रेजी मीडियम ही लेना पड़ेगा। तो जैसे लॉ की जो लैंग्वेज है और जो किताबें मिलती भी हैं, तो जो लॉ की लैंग्वेज है वो इतनी क्लिष्ट है, इतनी टिपिकल है कि वो बच्चे को समझ में ही नहीं आती, उसको समझने में ही बहुत ज्यादा उनको परेशानी हो जाती है। तो हमें ये भी जरूरत है कि हिंदी का जो जो हमारी किताबें हैं या जो हमारी सब्जेक्ट मटेरियल है वो हिंदी में भी हो, और उसके लिए भी प्रयास किए जाने की जरूरत है। और क्या सुझाव आपकी तरफ से होंगे कि जिससे कि हिंदी को एक सम्मानजनक स्थिति मिल सके? और क्योंकि भाषा, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि जो भाषा है वो एक आपकी बात रखने का माध्यम है, वो कोई बड़ा या छोटा नहीं है। और हम ये नहीं चाह रहे कि अंग्रेजी छोटी है या हिंदी बड़ी है, ऐसा कोई नहीं है। जितनी भी लैंग्वेज अगर किसी व्यक्ति को आ रही है वो तो अच्छी बात है, आप जितनी भी भाषाएं सीख पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, पर सभी को सम्मानजनक स्थिति मिलनी चाहिए। और जो व्यक्ति जिस भाषा में सहूलियत से काम कर सकता है उस भाषा में वो काम कर सके, और वो किसी दबाव में आकर के या समाज में अपनी अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए या इस तरीके से जबरन कोई भाषा को ना ले, तो ये हम समझते हैं कि ये सबसे बेहतर तरीका होगा। और अगर आप सुझाव दे सकेंगे तो बहुत बहुत मैम, मैं तो यही सुझाव देना चाहूंगी, क्योंकि मैम जो हमारी इंडिया की जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इंग्लिश को भूल जाइए, आप उसे सीखिए, लेकिन आपको हिंदी को भी
पकड़ के रखना है, उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फ्लुएंटली बस इंग्लिश में बोलने पर ध्यान देते हैं, उनकी हिंदी हम खुद ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है कि आप इंडिया को बिलोंग करते हो और आपको यही करना नहीं आया। तो आपको अपनी हिंदी को बिल्कुल बचपन से ही स्ट्रांग रखना है, क्योंकि आप लैंग्वेज में आपकी कमांड जितनी इंग्लिश में है उतनी ही हिंदी में भी होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगी। और जैसे कि मैम हमने बहुत बार देखा भी जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहां पर ही हमारे इंडियन कल्चर्स के कई जो क्लासिकल हमारा कल्चर है वो अडॉप्ट कर रहे हैं उस चीज को। हम भी अडॉप्ट करें इंग्लिश को, लेकिन हिंदी को ना भूलें, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है, हमारी रूट्स जो है, वो कहीं ना कहीं हिंदी से जुड़ी हुई है। हिमानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय निकाला और हमसे बात की, और बहुत सारी चीजें आपने शेयर की, बहुत सारी चीजें आपने बताई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, और थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। तो दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया इस कार्यक्रम को अंत तक सुनने के लिए। आप सुन रहे थे दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा की आवाज, हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पाते हैं। हिंदी दिवस का यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी के नाम से। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। नमस्कार।